क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है, क्यों वो देश के लिए अपनी जान पे खेल जाता है। हम लोग जो ना उसके अपने हैं, न दोस्त, न यार, न रिश्तेदार, क्यों वो हमारे लिए अपने सीने पे गोलियां झेल जाता है। इस क्यों का जवाब छुपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते हुए उठाता है। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा। सब मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी, सबसे पहले तो मैं आपका हाथ मिलाना चाहूंगा, यही मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात होगी सर। वाओ सर, जब आप कारगिल में लड़ने गए थे तब आपकी उम्र क्या थी? 19 साल की। दराज सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल टॉप, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी, जिस पर बर्फ ही बर्फ थी, दुश्मन बहुत ऊपरी हाट पे बैठा हुआ था। वहां से हमारी तमाम हरकतों को देख सकता था, मूवमेंट को देख सकता था। -20 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना हिंदुस्तान के ये जवान उस टाइगर हिल के शिखर की तरफ निडर होकर के, निर्भीक होकर के बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। जिस तरह से आप खड़े हैं, एक मेरा साथी ऐसे ही खड़ा था, उसको यहाँ पे गोली लगी और इधर से उसके भेजे को निकलता हुआ मैंने देखा है। एक जवान खड़ा होकर के फायर करने लगा तो वहीं पर आटी का बम गिरा, उसकी यहां से गर्दन कटी और जमीन पर जा गिरी, उसका धड़ दो कदम तक चला और जा करके नीचे गिर गया। जमीन पर गिरी उसकी गर्दन को तड़पड़ाते हुए मैंने देखा है। भी ये बाजू में पूरा गोलियों से चलनी है, ऐसे पूरा पैर चलनी है सर। 17 गोलियां खाई हैं आपने अपने शरीर में और उसके बाद आपने टाइगर हिल कैप्चर किया है, 17 बुलेट्स। तो हिंदुस्तान का सैनिक मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए पैदा होते हैं।